हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित और आज आपको गूगल एडसेंस पिन अप्लाई करना सिखाते हैं। क्योंकि कुछ लोग अप्लाई करते समय गलती कर देते हैं तो उसकी वजह से पिन रिजेक्ट हो जाता है। तो चलिए आपको आज सही तरीके से अपना गूगल एडसेंस पिन कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आपको बताते हैं। तो चलिए अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस टाइप करने के बाद आपको जो ये फर्स्ट वाली वेबसाइट दिख रही है उस पर आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर एक साइन इन का ऑप्शन दिखता होगा, इस पर क्लिक करते हैं। आपको इसमें जिस भी ईमेल से आपका गूगल एडसेंस अप्लाई करना है उस ईमेल से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी लोडिंग ले रहा है। सेलेक्ट होने के बाद तुरंत आपको ये वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट खुलने के बाद आपको इधर इस कोने वाली टाइप करना है इधर आपको। तो चलिए थ्री डॉट पर मैं टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद आपको इधर एक पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा होगा इधर। तो चलिए मैं उस पर क्लिक करता हूँ। फिर इधर वेरिफिकेशन चेक का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो चलिए वेरिफिकेशन चेक पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इधर टेक एक्शन का बटन दिख रहा होगा, तो इधर मैं आपको टेक एक्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। आपको इधर अकाउंट लोडिंग ले रहा है, अभी थोड़ा देर आप वेट कर लीजिएगा, नेटवर्क स्लो होने के कारण। तो चलिए इधर आपको मेरा इधर सभी ओपन होकर आ गया है। इधर आपको एक रेड कलर का वेरिफिकेशन नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। आपको ये तभी करना है जब आपका फ़ोन डेस्कटॉप साइड में हो। तो इधर मेरे को इधर आ गया है स्टार्ट वेरिफिकेशन। तो मैं फटाफट आपको क्लिक कर लेता हूँ। आपका इसमें लीगल नेम डालना है, जो आपका डॉक्यूमेंट्स पे नेम हो वही आपको डालना है। तो चलिए मेरा नाम इधर शो कर रहा है, तो मैं इसी को डाल देता हूँ। और आपको एक डॉक्यूमेंट्स इधर अपलोड करना है, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर कार्ड। बाकी आप आधार कार्ड नहीं डाल सकते हैं क्योंकि आधार कार्ड वैलिड नहीं है, तो इसलिए मैं अपना पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आप इस पर फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों को आईडी अपलोड कर लेते हैं। चलिए मैं फटाफट अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना फ़ोटो दोनों तरफ का मैं अपलोड कर दिया हूँ। अपलोड करते समय यह ध्यान रखना होगा कि फ़ोटो आपको क्लियर होना चाहिए और उसका चारों कोना जो है वो दिखना चाहिए, तभी आपका फ़ोटो सही से काम करेगा। तो चलिए यहाँ पर आपको नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको आप एड्रेस डालना है, आपका स्ट्रीट एड्रेस क्या है, साइट क्या है, सिटी या टाउन जो आपका नियर बाई सिटी होगा वो डाल सकते हैं। अपना पिन को डालिए और स्टेट अपना डालिए। तो मेरा एक एड्रेस यहाँ पर पहले से शो कर रहा है, तो मैं उसी को डाल देता हूँ। ये हमारा ऑटोमेटिक दे दिया। यहाँ पर आप सिटी की जगह पर आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं यहाँ पर। चलिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको एडसेंस पिन आए तो आपको कॉल किया जाएगा। तो फटाफट डाल देते हैं। मैं यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल दिया हूँ, तो अब सबमिट पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ मेरा वेरिफिकेशन अभी प्रोग्रेस में दिख रहा है, तो इसको आप वेट कर दीजिएगा 24 घंटा या एक वीक में आपका ये आपको एक जीमेल के थ्रू मालूम चल जाएगा और आपको बता दिया जाएगा कि आपका एडसेंस पिन को आपके एड्रेस पर भेज दिया गया है। तो इस प्रकार से आप गूगल एडसेंस पिन को अप्लाई कर सकते हैं।